हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पे आपके लिए एक और भी कंपैरिजन वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग एक स्कूटर खरीदने के सोच रहे होंगे। ऐसे में इंडिया में जो सबसे ज़्यादा स्कूटर्स बेची जाती हैं वो होंडा एक्टिवा 6G है और TVS जुपिटर है। ये दो स्कूटर्स काफ़ी ज़्यादा इंडियन मार्केट में बेची जाती हैं। तो अगर आप इन दोनों में से कन्फ्यूज हैं किसको लेना चाहिए, कौन सा आपके बजट रेंज के अंदर आ जाएगी, क्या क्या प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी, ये कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पे इस वीडियो में दे देंगे। माइलेज क्या मिल जाती है, ये भी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हालांकि इनके बीच में कंपैरिजन मैंने पिछले साल भी किया था, लेकिन उसके बाद इनके प्राइस और वेरिएंट में काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं। तो अब लेटेस्ट प्राइस क्या है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक पॉइंट कलर ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिवा 6G लेंगे तो यहाँ पे टोटल आपको दो वेरिएंट मिल जाता है, जिसमें 6 कलर ऑप्शन इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में दिए गए हैं, जहाँ पे डिसेंट ब्लू, मैट एक्सिस ग्रे मेटेलिक, कॉपर मेटेलिक, ब्लैक, पर्ल प्रीसेस व्हाइट और रेबल रेड मेटेलिक शामिल है। तो इसके प्रीमियम एडिशन में आपको 3 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें मैट संगारिया रेड मेटेलिक, मैट मार्सल ग्रीन मेटेलिक और पर्ल सीरियन ब्लू शामिल है। तो अगर आप TVS जुपिटर लेने जाएंगे तो ये आपको 5 अलग अलग वेरिएंट के साथ मिल जाती है। सबसे पहला जो वेरिएंट आपको मिल जाएगा वो बेस वेरिएंट मिल जाएगा, जिसमें 6 कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें मेटेलिक ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, टाइटेनियम ग्रे, मेटेलिक रेड और ब्राउन शामिल है। तो ZX वेरिएंट और ZX डिस्क ब्रेक वेरिएंट में आपको 2 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें रॉयल वाइन और ब्लू कलर शामिल है। तो ये इसके क्लासिक वेरिएंट में आपको 2 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें मिस्टिक ग्रे और रेगल पर्पल शामिल है। तो इसमें जो स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ आती है ZX वेरिएंट, उसमें आपको 2 कलर ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें मैट ब्लैक और कॉपर ब्रॉन्ज शामिल है। तो TVS जुपिटर जो कि काफ़ी सारे वेरिएंट और काफ़ी सारे कलर ऑप्शन के साथ मिल जाती है, तो यहाँ पे कलर के मामले में TVS जुपिटर काफ़ी आगे है। तो इनके डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले एक्टिवा 6G की डिजाइनिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पे लुक आप देख सकते हैं, इसकी लुक जो चलती आ रही है वो आपने इंडियन सड़कों पे इस स्कूटर को, हर दूसरे स्कूटर को आप ये देखते होंगे। जहाँ पे इसके हेड के ऊपर आपको इसकी हेडलैम्प देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे टर्न इंडिकेटर लाइट दिया गया है। फ्रंट एप्रन पे आपको ब्लैक और क्रोम का फिनिश मिल जाता है, जो कि फाइबर की दी गई है और होंडा की बैजिंग दी गई है। इसके अलावा इसके फ्रंट फेंडर के आगे आपको एक ब्लैक कलर का फाइबर का पार्ट मिल जाता है, ये सेफ्टी के लिए यहाँ पे अब ऐड किया गया है, पहले मॉडल में ये सब नहीं दिया जाता था। बाकी इसके साइड व्यू की बात करें तो इसमें आपको सीट मीटर व्हील मिलता है, यहाँ पे अलाव स्पेस नहीं दिया गया है। फ्लोरबोर्ड पर स्पेस भी ठीक ठाक मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक यहाँ पे फ्लोरबोर्ड दी गई है। प्रीमियम एडिशन लेंगे तो उसमें आपको इनर पार्ट प्रीमियम देखने को मिल जाएगी, सीट प्रीमियम देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे इसके साइड में एक्टिवा 6G का बैजिंग मिल जाता है, यहाँ पे कोई भी ग्राफिक्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। एग्जॉस्ट सिस्टम देख सकते हैं, काफी पहले से ये 5G से ये चलते आ रहा है। और इसमें जो ग्रैबरेल दी गई है आपको सिल्वर कलर के साथ मिल जाती है। रियर व्यू की बात करें तो यहाँ पे टेल एंड सेक्शन डिजाइन देख सकते हैं, और पीछे फ्यूल फिलिंग का सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। तो इसका ओवरऑल आपने लुक देख लिया है। तो TVS जुपिटर अगर आप लेते हैं तो इसका जो बेस वेरिएंट मिलेगा, इसके डिजाइन देख सकते हैं। फ्रंट में हेड पे आपको हेडलैम्प सेक्शन मिल जाता है, फ्रंट एप्रन पे टर्न इंडिकेटर लाइट दिया गया है, जहाँ पे ब्लैक कलर का सिग्नेचर डिजाइनिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साइड व्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे ब्लैक इनर पार्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में दिया गया है। लेकिन वही अगर आप ZX लेंगे या फिर ZX डिस्क लेंगे तो इनर पार्ट आपको ब्राउन कलर का देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा जो ZX स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ जो लॉन्च हुई थी, वहाँ पे बैकरेस्ट भी दिया गया था और साइड में जुपिटर का क्रोम के साथ 3D में लोगो भी लगा आपको मिल जाता है। इसके अलावा क्लासिक वेरिएंट लेंगे तो इसमें आपको फ्रंट में वाइजर भी देखने को मिल जाएगी, बैकरेस्ट भी देखने को मिल जाएगा, हल्की सी ग्राफिक्स भी साइड में देखने को मिल जाएगी। तो अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग आपको यहाँ पे ग्राफिक्स और एलिमेंट अलग अलग देखने को मिल जाते हैं जुपिटर में। बाकी अगर इसके रियर व्यू की बात करें तो यहाँ पे एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग दी गई है और टेल लैम्प मिल जाता है। तो ओवरऑल आपने दोनों का लुक देख लिया है, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे, लुक वाइज जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे उसका ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्राफिक्स चाहिए, एलिमेंट आपको थोड़े से अलग अलग चाहिए, तो ऐसे में आप जुपिटर में आपको कई सारे वेरियंट मिल जाते हैं। लेकिन वही अगर आप एक्टिवा 6G को देखेंगे तो नॉर्मली लुक के साथ मिल जाती है, कोई भी ग्राफिक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इन दोनों के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले इंजन की बात करेंगे। तो होंडा एक्टिवा 6G में 109.51cc का फैन कूल्ड 4-स्ट्रोक SI प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। जुपिटर में आपको 109.7cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक CVTi फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाती है। दोनों 110cc में आती है, लेकिन जो एक्टिवा 6G का इंजन है 8000 RPM पर 7.79 PS का पावर, जबकि 5500 RPM पर 8.84 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। जुपिटर का जो इंजन है 7500 RPM पर 7.88 PS का पावर, जबकि 5500 RPM पर 8.8 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। दोनों में ही किक और सेल्फ स्टार्टर मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे पावर फिगर दोनों की देख सकते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा पावर आपको जुपिटर में जरूर देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो टॉर्क है वो लगभग इनकी दोनों की सिमिलर आपको देखने को मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस दोनों में आपको बेहतर मिल जाएगी। तो यहाँ पे इंजन पावर में बेहतर, थोड़ी सी आपको अच्छी पावर जुपिटर में जरूर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों को एक्टिवा के जो इंजन होते हैं वो पसंद आते हैं,
जो होंडा कंपनी की इंजन होती है वो लोगों के काफ़ी पसंद आती है, काफ़ी सारे लोगों को TVS के जो इंजन होते हैं वो पसंद आती हैं, तो ये डिपेंड आप ही करती है। बाकी दोनों में आपको अच्छी इंजन देखने को मिल जाती है क्योंकि दोनों स्कूटर्स इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा बेची जाती हैं, जिसमें से एक्टिवा पहले नंबर पे है। तो ये बात करते हैं सस्पेंशन सेटअप की, होंडा एक्टिवा 6G के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में 3-स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन दिया गया है। तो ये जुपिटर के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में 3-स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग विथ हाइड्रोलिक आपको सस्पेंशन सेटअप देखने को मिल जाती है, यानी कि दोनों के सस्पेंशन सेटअप लगभग आपको सिमिलर मिल जाते हैं। दोनों में टेलीस्कोपिक और 3-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन रियर के साइड देखने को मिल जाती है। लेकिन टायर और ब्रेक्स की अगर बात करें तो होंडा एक्टिवा के फ्रंट में 90x90 का 12 इंच और रियर में 90x100 का 10 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाती है, लेकिन इसमें अलाउ व्हील्स नहीं दी गई है। लेकिन TVS जुपिटर लेते हैं तो इसके फ्रंट और रियर में 90x90 का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है और इसमें अलाउ व्हील्स दिया गया है और सीट मेटल व्हील वेरियंट का भी एक ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको टायर साइज में थोड़ा सा आपको डिफरेंस जरूर देखने को मिल जाएगा। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो एक्टिवा 6G के फ्रंट और रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन TVS जुपिटर लेते हैं तो इसके फ्रंट में डिस्क ब्रेक और 130mm का ड्रम ब्रेक जो कि ऑप्शन मिल जाता है, रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है, यानी कि अगर आपको डिस्क ब्रेक वेरिएंट चाहिए तो आपको जुपिटर मिल जाएगा। लेकिन एक्टिवा 6G में अभी तक डिस्क ब्रेक वेरिएंट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये आपको थोड़ा सा ब्रेकिंग सिस्टम में डिफरेंस मिल जाता है। बाकी दोनों के फीचर्स की बात कर लेते हैं कि फीचर्स वाइज कौन से ज़्यादा बेहतर है। तो एक्टिवा 6G में CVS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, तो जुपिटर में आपको SBT यानी कि सिंक ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है। दोनों का काम सेम होता है, बस नाम अलग अलग है। एक्टिवा 6G में आपको LED लाइट मिल जाती है और जुपिटर में भी आपको LED लाइट देखने को मिल जाती है। एक्टिवा 6G में आपको एनालॉग मीटर देखने को मिल जाएगा जो कि बेसिक से फीचर्स के साथ मिल जाता है, जहाँ पे स्पीड, फ्यूल और ऑडोमीटर की जानकारी मिल जाती है, कुछ इंडिकेटर लाइट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे एडवांस चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, काफ़ी सिंपल सा रखा गया है। लेकिन अगर आप जुपिटर लेते हैं तो अलग अलग वेरियंट में अलग अलग आपको मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। अगर आप बेस वेरियंट लेते हैं तो वहाँ पे बेसिक सा एनालॉग मीटर मिलेगा, जहाँ पे स्पीड, फ्यूल और ऑटोमेटिक जानकारी मिल जाती है। लेकिन वहीं अगर आप ZX लेते हैं या फिर ZX डिस्क लेते हैं तो वहाँ पे आपको डिजिटल एनालॉग मीटर कंसोल मिलेगा। इसके अलावा क्लासिक वेरियंट लेते हैं तो यहाँ पे आपको एनालॉग मीटर मिलेगा जो कि क्लासिक लुक के साथ मिल जाती है। लेकिन वहीं अगर आप ZX स्मार्ट X कनेक्ट के साथ लेते हैं तो वहाँ पे फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाएगा जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और वॉइस असिस्ट के साथ भी आती है। तो जुपिटर में आपको कंपनी कई सारे अलग अलग वेरिएंट देती है, जिससे कि अलग अलग लोग अलग अलग जो चीज़ें चाहते हैं वो जुपिटर में मिल जाए। तो इसीलिए कंपनी अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग फीचर्स देती है, तो जो आपको पसंद आए वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो एडवांस फीचर है वो आपको जुपिटर में मिल जाएगा। फीचर्स के मामले में जुपिटर काफ़ी आगे है। एक्टिवा 6G में इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप स्विच मिल जाएगी, फिर जुपिटर में भी इंजन किल स्विच दी गई है। एक्टिवा 6G में आपको बूट स्पेस मिल जाता है जहाँ पे हेलमेट रख सकते हैं, और जुपिटर में भी आपको 21 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप हेलमेट रख सकते हैं। एक्टिवा 6G में एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग दी गई है, यानी कि फ्यूल भरवाने के लिए आपको सीट से उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीछे दिया गया है वहाँ से ओपन करके फ्यूल भरवा सकते हैं। जुपिटर में भी आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा एक्टिवा 6G के प्रीमियम एडिशन में आपको इनर पार्ट प्रीमियम मिल जाता है, तो जुपिटर में भी आपको जो इसका अलग अलग वेरिएंट है वहाँ पे आपको इनर पार्ट प्रीमियम ब्राउन सीट देखने को मिल जाती है, बैकरेस्ट भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोनों में ही साइड स्टैंड सेंसर दिया गया है, यानी कि अगर आपके साइड स्टैंड लगा हुआ तो इंजन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, सेफ्टी पर्पस के लिए दोनों में ये मिल जाती है। इसके अलावा जुपिटर में आपको इंटेलिगो फीचर मिल जाती है जो कि फ्यूल की थोड़ी सी बचत करती है। इसके अलावा जुपिटर में आपको फ्रंट में ग्लोव बॉक्स मिल जाएगा, जहाँ पे USB सॉकेट भी दिया गया है स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए। ऐसा कुछ आपको फ्रंट में ग्लोव बॉक्स या फिर USB चार्जिंग सॉकेट एक्टिवा 6G में देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोनों में आपको लगेज हुक मिल जाती है। तो फीचर्स वाइज अगर बात करें तो यहाँ पे फीचर्स में डिफरेंस देख सकते हैं। एक्टिवा में काफ़ी बेसिक से फीचर्स दिए गए, इवन कोई यहाँ पे एडवांस या फिर कोई बेहतर फीचर्स दिया ही नहीं गया है, केवल आपको बेसिक एनालॉग मीटर मिल जाएगा, बूट स्पेस मिल जाएगा, लेग स्पेस मिल जाएगा, LED लाइट मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी आपको एक्टिवा 6G में फीचर्स अन्य देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जुपिटर लेते हैं तो यहाँ पे फीचर्स ही फीचर्स आपको मिल जाते हैं अलग अलग वेरिएंट में, लेकिन आपको पैसे उसी हिसाब से देने पड़ेंगे। तो पैसे की बात यानी कि प्राइस की बात आगे करेंगे, उससे पहले माइलेज और टॉप स्पीड की बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले क्लियर कर दूं, जो भी माइलेज या फिर टॉप स्पीड का फिक्स होगा थोड़ा ज़्यादा कम भी हो सकता है, और स्कूटर्स में उतना ज़्यादा आपको माइलेज नहीं मिलता है जितना कि एक बाइक में आपको देखने को मिल जाती है सेम सेगमेंट में। तो एक्टिवा 6G में आपको 56 का 53 के MPL तक माइलेज मिल जाएगी, और स्कूटर्स जैसे पुराने होते जाते हैं तो माइलेज भी थोड़े बहुत कम होते जाते हैं। बाकी TVS जुपिटर का जो माइलेज है 61 के MPL तक टेस्ट किया गया, लेकिन सिटी में जब ट्रैफिक में चलाते हैं तो इसमें भी आपको 55 के MPL तक माइलेज मिल जाती है। बाकी टॉप स्पीड की अगर बात करें तो दोनों की टॉप स्पीड 90 के MPH तक है, तो यहाँ पे तो थोड़ी सी बेहतर आपको माइलेज मिलने वाली है, जुपिटर में जरूर मिल जाती है, 2-4 किलोमीटर ज़्यादा आपको माइलेज मिल जाती है। बाकी डायमेंशंस की बात करें तो एक्टिवा 6G का जो लेंथ है 1833 mm, V697 mm, हाइट 1156 mm, व्हील बेस 1260 mm, ग्राउंड गेस 162 mm, सीट हाइट 765 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.3 लीटर, इसका जो कर्व वेट है 106 kg है,
तो जुपिटर का जो लेंथ है 1834 mm, V678 mm, हाइट 1286 mm, व्हील बेस 1275 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm, सीट हाइट 765 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी लगभग 5 लीटर की है और इसका जो कर वेट है 109 kg है। तो यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है बेहतर आपको जुपिटर मिल जाती है, सीट हाइट लगभग दोनों के सेम है और यहाँ पे जो वेट है वो थोड़ी सी आपको हल्की एक्टिवा 60 मिल जाती है। तो यहाँ आगे बात कर लेते हैं दोनों के प्राइसिंग की, कौन सा आपके बजट रेंज के अंदर आ सकती है। तो एक्टिवा 60 में तीन वेरिएंट मिल जाते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया। तो इसका एक्सरूम दिल्ली में प्राइस स्टैंडर्ड वेरिएंट के साथ 73,086 यानी कि 73,086 रुपये तक है। डिलक्स वेरिएंट के साथ एक्सरूम प्राइस 75,586 यानी कि 75,586 रुपये तक है। तो इसका प्रीमियम एडिशन के साथ एक्सरूम प्राइस 76,587 यानी कि 76,587 रुपये तक है। तो अगर इसके ऑनरोड प्राइस की बात करें तो प्रॉक्स दिल्ली में स्टैंडर्ड वेरिएंट 85,000 रुपीज़ यानी कि 85,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। जीएस वेरिएंट के साथ ऑनरोड अप्रॉक्स प्राइस 87,500 यानी कि 87,500 रुपये के आसपास मिल जाएगी। तो ये प्रीमियम एडिशन के साथ ऑनरोड अप्रॉक्स प्राइस 88,500 यानी कि 88,500 रुपये के आसपास मिल जाएगी। तो ये बात करते हैं टीवीएस जुपिटर की, तो इसमें आपको कई सारे वेरिएंट मिल जाते हैं, लगभग 6 अलग अलग वेरिएंट मिल जाते हैं। सभी का मैं प्राइस यहाँ पे आपको बता देता हूँ ताकि आपको अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो इसके एक्सरूम प्राइस की बात करते हैं तो जुपिटर 110 का जो एक्सरूम दिल्ली में प्राइस है, सबसे जो बेस वेरिएंट है सीट मेटल व्हील वेरिएंट के साथ आती है जिसमें केवल एक कलर ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके एक्सरूम प्राइस 69,990 यानी कि 69,990 रुपये तक है। बेस वेरिएंट के साथ एक्सरूम प्राइस 73,671 यानी कि 73,671 रुपये तक है। ZX वेरिएंट के साथ एक्सरूम प्राइस 78,446, ZX डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ एक्सरूम प्राइस 82,446 यानी कि 82,446 रुपये तक है। तो इसका जो ZX स्मार्ट X करने के साथ आती है यानी कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है, एक्सरूम प्राइस 85,246 रुपीज़ है। तो ये क्लासिक वेरिएंट के साथ जो सबसे महंगी है, एक्सरूम प्राइस 85,866 यानी कि 85,866 रुपये तक है। तो इसके ऑनरोड प्राइस की बात करें तो प्रॉक्स दिल्ली में जो इसका बेस वेरिएंट है 81,900 यानी कि 81,900 रुपये के आसपास मिल जाती है। जो बेस वेरिएंट है 85,600 रुपीस तक ऑनरोड प्राइस है। ZX वेरिएंट 90,300 यानी कि 90,300 रुपये तक ऑनरोड प्राइस आपको देखने को मिल जाती है। ZX डिस्क के साथ ऑनरोड प्रॉक्स प्राइस 94,300 यानी कि 94,300 रुपये के आसपास में है। ZX स्मार्ट कनेक्ट के साथ ऑनरोड प्रॉक्स प्राइस 97,200 यानी कि 97,200 रुपये के आसपास है। तो इसका जो क्लासिक वेरिएंट है उसका जो ऑनरोड प्राइस है दिल्ली में 98,000 रुपीज़ यानी कि 98,000 रुपये के आसपास में आपको देखने को मिल जाती है। तो ये पूरी प्राइस लिस्ट है दोनों स्कूटर्स का, आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्राइसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे जुपिटर में काफ़ी सारे वेरिएंट मिल जाते हैं, अलग अलग कैटेगरी के मिल जाते हैं, तो प्राइसिंग ज़्यादा देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिंपल करता हूँ जिससे कि आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा आपको लेना चाहिए। तो सबसे पहले बेस वेरिएंट की बात करते हैं, यानी कि एक्टिवा 6G का डिलक्स मॉडल लेते हैं और इसका बेस वेरिएंट लेते हैं, उससे कंपेयर करते हैं। तो एक्टिवा 6G का जो डिलक्स वेरिएंट है 75,586 रुपीज़ है और वहीं अगर आप दूसरे साइड देखेंगे जो इसका बेस वेरिएंट है 73,671 रुपीज़ है, यानी कि इनके प्राइस में लगभग 1500 से 2000 रुपये का फर्क है। 1500 से 2000 रुपये तक सस्ती आपको जुपिटर का बेस वेरिएंट मिल जाता है सेम फीचर्स के साथ जो मिल जाती है। लेकिन अगर आपको जुपिटर में ज़्यादा फीचर्स चाहिए, स्मार्ट एक्स कनेक्ट चाहिए या फिर फुली डिजिटल डिस्प्ले चाहिए या फिर क्लासिक वेरिएंट चाहिए, तो इसलिए आपको एक्टिवा से ज़्यादा पैसे देने होंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, अलग लुक में देखने को मिल जाती है, इसलिए जुपिटर आपको थोड़ी सी महंगी लगेगी। ओवरऑल अगर आपका बजट कम है, अगर आप एक स्कूटर इन दोनों में इसको लेना चाहते हैं तो जुपिटर का आपको सबसे लोवेस्ट वेरिएंट वाला मिल जाएगा। लेकिन वही अगर आपको एक्टिवा 6G जो कि इंडिया के सबसे ज़्यादा बेची जाने वाले स्कूटर है उसको खरीदना चाहते हैं तो उसका भी प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपको पसंद है उसको आप ले सकते हैं, दोनों ही बेस्ट है। डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सी पसंद आती है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको कौन सी बेहतर लगी या फिर कौन सा आप यूज़ करते हैं जिससे कि बाकी लोगों को भी परचेस करने में थोड़ी सी आसानी हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर बन गई है लेकिन मैंने कंप्लीट जानकारी एक ही वीडियो में देने की कोशिश की है, इसलिए वीडियो आपको थोड़ी सी लंबी लग रही होगी। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।